दूसरी तरफ उसी का बड़ा भाई राम। सराबी कब तक जारी राम को जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में खुद को छुपा। अरे मल्ला, तू अभी तक जिंदा ही क्यों है? नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ रुकना ही होगा। किंतु वह मेरे साथ नहीं चल सकता। अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकती,
नारी का गौरव, इस कुल की मर्यादा तो नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना उपद्रव क्यों महारानी? अमर, मेरा कंठ सूख रहा है। जी महाराज। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ अमात्य आप अपने मंत्रणा ग्रहण में जाएं। मैं रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। जुआ क्या महारानी? रुको महामंत्री, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। देवी, क्या कहना है महादेवी? अकेली यहाँ भय लगता है क्या? बैठी सुनिए, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप मेरा कन्यादान किया था, किंतु क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देते? देखो महादेवी, आप सुंदर हो, बल्कि मैं तो कहूंगा आप बहुत सुंदर हो, किंतु स्वर्ण की कटार पर मुक्त होकर कोई मैं उसे हृदय में तो नहीं छुपाए रख सकता। मैं गुप्त कुल की वधु बनकर इस राज परिवार में आई इसी विश्वास पर कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा। तुम जाओ, तुम उपहार में देने वाली वस्तु हो, मैं तुम्हें किसी दूसरे को दे देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है महारानी? निर्लज्ज, शराबी, कायर, ओह तुम मेरा कोई रक्षक नहीं। नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं कोई उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। तो क्या तुम मेरा खून करोगी? हत्या, तुम्हारी हत्या। नहीं नहीं, तुम जियो, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम खत्म हो गई तो मैं सकरात के पास किसे भेजूंगा? वो तो हमारे ऊपर आक्रमण ही कर देगा। नहीं नहीं, आत्महत्या घोर अपराध, भागो, बचाओ। हत्या? कैसी हत्या? महादेवी ठहरिए। कुमार, तुमको भी अभी आना था, चले जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, चले खावे या दुख की कठिनाइयों से घबराकर उसे नष्ट कर देना कहां तक होगी? तो फिर कुमार, आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने, तुम्हें साथ चल रहा हूँ। यह कैसा परिहास बेटी? परिहास कुमार, यह परिहास नहीं है, राजा की आज्ञा है। राजा शतराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह नहीं हो सकता। जिस मर्द को बनाए रखने के लिए, जिस मर्यादा को बचाए रखने के लिए मैंने अपना दिया हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका आज यह अपमान। मैं अपने जीवित रहते हुए अपने पिता आर समुद्र गुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पतलित नहीं होने दूंगा। देखो तो कुमार, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध, और आपसे तो पारी करते नहीं बनता। कुमार के अंदर छिपा हुआ कलश कितना कितना भयंकर प्रतीत होता है। कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गुण विधान है, यह न भूलना चाहिए। तभी तो अमर आपने ऐसी व्यवस्था दी है कि महारानी को भेजकर भी संधि की जाए। क्यों, क्या यही विनय की पराकाष्ठा है? ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें सील ना हो। इसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए, यह कैसी व्यवस्था है? अरे महारानी, आप हत्या करने के लिए प्रस्तुत, तो फिर यह हिचक क्यों? आमात के प्राण दंड के लिए प्रस्तुत। अरे एक बार अंतिम बल से परीक्षा करके तो देखो, बचोगे तो राष्ट्र सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। भारी मंदा, भला तुम कहां से इतनी उत्साह वाली बात कहने के लिए आ गई? ठीक ही है,
सुनो अमर, यह स्त्री क्या कह रही है? उर्वी संधि मेरे प्राण लेने का कौशल। हम सब लोग स्त्री बन जाए और बैठ कर रोए। स्त्री से एक विचार मेरे मन में आया है कि क्यों ना मैं ध्रुव स्वामी बनकर